शहर के चोर पॉकेटमार इतने शातिर हो गए हैं कि चलती ऑटो में भी लोगों की पॉकेटमारी कर लेते हैं। लगातार शहर के गिरजा चौक से लाइन बाजार के बीच ऐसी वारदात हो रही है। आज फिर अररिया जिले के रानीगंज शेखपुरा से ऑपरेशन कराने आए एक मरीज का पॉकेटमार ने 40,000 रुपया उड़ा लिया। गिरजा चौक से ऑटो पर सवार पॉकेटमारों के गैंग ने इस घटना को लाइन बाजार के समीप अंजाम दिया है। इस गैंग में ऑटो चालक भी शामिल है। इस बाबत पीड़ित ने केहाट थाने में आवेदन दिया है। सिटी हलचल के लिए पूर्णिया से सरोज कुमार की रिपोर्ट। बताइए क्या हुआ आपके साथ? गिरजा मोटर से उतरे ना तो हम हम बोला चल चल हम कल नहीं जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएगा कल हम चलन ट्रेन पर टेम्पू ले रहे। कहाँ से आ रहे थे हम? माथवा से आ रहे थे। शेखपुरा घर है हम? शेखपुरा घर है, विधायक साहब घर के पंडित जी घर है। बस से आया? हम बस से आए। कहाँ? बस गिरजा चौक उतरे। ठीक, गिरजा चौक पर टेम्पू बैठा और लेकर चलन आगे में पुलिस था। पुलिस था वो बोला वहाँ पुलिस गाड़ी नहीं टपने देता है, इधर चलो। इधर था वो कहीं घोड़ा कर लेगा, पैसा रुपया काट लेगा। कितना रुपया काट? 40 रुपया। 40,000? हाँ जी। आप यहाँ कहाँ आए थे? मैं लक्ष्मी बाबू पास डॉक्टर देखने लाइन बाजार आए थे। लाइन बाजार ऑपरेशन के लिए पैसा लेकर आए? हाँ। अच्छा, जब ऑटो में बैठे थे तो वहाँ और कोई लड़का वगैरह? चार पाँच तो वही था। हमारा फिर कहाँ जाए, लक्ष्मी बाबू पास जाएंगे तो हम यहाँ जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे वो भी बैठा रहा। हाँ, वो बैठा रहा। और आपकी पत्नी पीछे थी? हाँ, ये पीछे थे। हाँ, दो थी बड़ा में, तो कपड़ा बस्तर सामान जो है खाने पीने सब सब। आपको कब पता चला कि आपका पैसा गायब हो गया? वो जब वहाँ ले गया ना, बोल के अब चल जाओ, हम तो आप वहाँ चले गए तो हम तो दूसरी गाड़ी पर बैठो। कौन बोला ये? वह टेम्पू वाला। ऑटो वाला? टेम्पू वाला उतार दिया? हाँ, वो दूसरे टेम्पू वाला ऑटो वाला ऑटो बैठा दिया। ऑटो पर? दूसरे ऑटो पर? हाँ, दूसरे ऑटो पर। तब आपको पता चला? पता चला, मेरे रुपया नहीं है। इसमें पैकेट जेब में रखे थे? अंदर वाला जेब में था। हाँ ठीक, उसमें लिफाफ में करके अंदर वाला जेब में। अच्छा, फिर काट लिया? यानी टोटो में कितना लोग बैठा हुआ था? टोटो वाला दो महिला था, चार पांच आदमी वहाँ बैठा था। क्या नाम पूछे? नाम क्या है? हमारा अनमोल यादव है। घर? शेखपुरा जिला अररिया पड़ता है। यहाँ कहाँ है? लक्ष्मी बाबू पास। यहाँ थाना है? हाँ, थाना है। आवेदन देंगे? हाँ। उसको बोलेगा? इधर देखिएगा, इधर देखिए कैसे क्या हो गया। गिरजा चौक को उतरा लिए, गिरजा चौक को उतरा लिए तो टेम्पू वाला कल के किसी बैठा टेम्पू पर तो हम कहा बात भेल है तो बैठलिए बैठलिए टेम्पू पर बैठलिए तो कहलिए एक कहलिए पीछा आबू बैठे कहलक अच्छा बैठे बैठ रहा ओत बैठ रहा तो हम कहलिए कि से एत जाए ला तो कहे कि तक नहीं जाए दे पुलिस छी तो कहलक कि से पुलिस छे कि चलना ना लोग टपे है कोई तो कहूँ गाड़ी हेंक द गाड़ी जहाँ देलक तो कहलक कि चलो चलो ओत तोरा उतारि दै छियो ओ नहि जेतै गाड़ी कहलिए मर हो तोरा हम टका देलियै रहै जे लक्ष्मी बाबू लगे से जे ऑपरेशन करबै लए जाइ छियै ओतए उतारिए हमरा तऽ तू एतए किए उतारै छै? आपको कैसे पता चलक पैसा काट लिया? जब ऑटो पर से ओ पर टेम्पू पर से उतारि देलकै जब ऑटो पर बैठलिए वएह 20 गो टका देलकै ओ हलचल हलचल से 5 गो टका करऽ लागल। ऑटो वाला ही दिया? हमरा हाथ के दा देलकै दर ऑटो वाला के, ऑटो वाला नहि लेलकै तऽ हमरा हाथ के दा देलकै तऽ हम कहब एकरा दै छियै एकरा जे देलियै ने तऽ ई देखै छियै जे एना कऽ फलफल रहल तऽ कहै छियै कि मर ई की भेलै तऽ कहै छै 1,000 टका काटि लेलकै तऽ ओहि टेम्पू वाला ऑटो वाला पूछै छियै मर तोरा चिन्हल जानल रहौ टेम्पू वाला बतबल हमरा तऽ कहलकै नहि हमे हम नहि जानै छियै तोरा चलो टेम्पू में बैठने के उसी में काट लिया। सवेरे कितने बजे आप लोग आए थे? 10:30 बजे। क्या नाम है आपका? पैसा कितना था? अररिया। कितना पैसा था? अभी तक मेरे संज्ञान में ये बातें नहीं है, यदि इस तरह की बातें हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। गिरजा चौक पर ये वाकया हुआ है जिसमें 40,000 रुपये जो है जेब से काट के निकाल लिया गया। पूर्व में भी सुनाई सी वारदात हुई है पुलिस तो हम लोग पूरे शहर में और पुलिस अधीक्षक होने के द्वारा CCTV कैमरे का यूज किया गया है और जो भी घटनाएं घटती है उसमें हम लोग CCTV फुटेज निकाल करके उस पर हम लोग
देखते हैं कौन से अपराधी हैं, और कई अपराधी को हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार हम लोगों ने जेल भेजा है। और यदि इस तरह की वारदात हुई है, अभी तक मेरे संज्ञान में आया नहीं है, और यदि इस तरह की घटना घटी है तो पुलिस इसमें तत्पर होकर के अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी। इसमें ऑटो संचालक के द्वारा ये किया गया है जिसमें 3-4 लड़के भी ऑटो में बैठे हुए थे, और तो अनुसंधान के क्रम में जो भी साक्ष्य आएगा या सीसीटीवी फुटेज देखने से जो भी उसमें फुटेज आएगा, जिनका भी फुटेज आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।